तो ये आपको देख के ही लग रहा होगा कि कितनी बढ़िया है ये हमारी टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने लगभग 600 ग्राम के आसपास टमाटर लिया है, बिल्कुल पके हुए लाल टमाटर, और उसे हम बॉयल करेंगे। तो हमने एक कढ़ाई में पानी गर्म करके इसे बॉयल किया है। तो फाइनली हमारा ये टमाटर जो है लगभग 15 से 20 मिनट में ये बॉयल होकर इस प्रकार से ये पक जाएगा। तो इसे थोड़ा सा ठंडा करके हम इसके सारे छिलके को निकाल लेंगे। आप चाहे तो थोड़ी सी गर्म में भी इसके छिलके निकाल सकते हैं, लेकिन हाथों को ये जल जाएगा, तो इसीलिए हमने सारे टमाटर को इस प्रकार से इसके छिलके को निकाल लिया है। तो आप भी बारी बारी से इसी प्रकार से टमाटर के सारे छिलके को निकाल लेंगे, या तो किसी मैसर की मदद से आप मैश करके इसके छिलके को निकाल सकते हैं। हमने तो यहाँ पे अपने हाथों से ही इसके छिलके को निकाला है। तो इसके छिलके निकालने के बाद हम ये देखिए इस प्रकार से हमारा फाइनली इसका छिलका निकल गया है। तब हम एक मिक्सी जार में इसे डाल के इसे इसका प्योरे तैयार कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। तो इसके लिए जो हमने सामग्री लिया है, ये लगभग गुड़ लिया है 100 ग्राम के आसपास, और हरी धनिया 5 से 6 हरी मिर्च, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा को हमने घिस के लिया है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। हमने फ्राई पैन लिया है और उसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच तेल डाला है, थोड़ी सी खड़ा जीरा। तो अब हम यहाँ पे हरी मिर्च और अदरक का जो टुकड़ा है उसे हम डालेंगे, और इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे पका लेंगे। तो इसी प्रकार से ये देखिए हमारा हरी मिर्च और अदरक जो है अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें टमाटर का जो प्योरे हमने तैयार किया था वो इसे डालेंगे। तो ये देखिए फाइनली डाल के हमने इसे मिलाया है। तो इसे अब यहाँ पे हम 10 मिनट तक लगभग हम इसे पकाएंगे, ताकि इसका जो क्वांटिटी है लगभग आधी ना हो जाए, क्योंकि इसका जो जितना सारा पानी वो जल के बिल्कुल कम हो जाए। और ये देखिए तो हमारा ये पानी बिल्कुल जल गया है। तो अब हम यहाँ पे नमक, धनिया, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसमें जो इसका जो लाल कलर होगा उसको और थोड़ा सा ये बढ़ा देगा। तो सारे मसाले को हमने लगभग आधी आधी चम्मच डाला है। तो इसी प्रकार से पानी जब टमाटर का सूख जाए तब हम इसमें सारे मसाले डाल के भुनेंगे। तो इस स्टेज पे हम यहाँ पे जो गुड़ डालेंगे, आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, चीनी में उतना बढ़िया टेस्ट इसका नहीं लगता है। तो गुड़ हमने डाला है ये लगभग 100 ग्राम के आसपास। 600 ग्राम हमने टमाटर लिया था, उसमें लगभग 100 ग्राम के आसपास, 100 से 150 ग्राम के आसपास गुड़ डाला है। तो उसके बाद फाइनली हम यहाँ पे धनिया डाल देंगे। धनिया भी यहाँ पे हम थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में हमने डाला है। तो फाइनली ये हमारा टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए है ना, बिल्कुल लाजवाब, और कितनी बढ़िया है ये टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर बनाएं और फैमिली के साथ इंजॉय करें इस रेसिपी का। आप इस रेसिपी को रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।